औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा क्लास सेकंड ईयर। इसके अंदर हम इंग्लिश ऐसे रीड आउट करेंगे माय बेस्ट फ्रेंड। काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करना है। वी कम अक्रॉस मैनी पर्सन। कम अक्रॉस का मतलब होता है कि बहुत से ऐसे अशखास का जो हमारी ज़िंदगी से गुजरते हैं, बट दे कैन नॉट बी ओवर फ्रेंड, लेकिन वो हमारे दोस्त नहीं बनते। यानी कि हमारा वी कम क्रोज मैनी पर्सन, हम बहुत से लोगों से मिलते हैं लेकिन बट दे कैन नॉट बी ओवर फ्रेंड, लेकिन वो हमारे दोस्त नहीं होते। वन मस्ट बी वेरी केयरफुल, हर एक को बहुत जो है वो पुरमहतात होना चाहिए सिलेक्शन करने में अपने दोस्त को। मैन इज सोशल एनिमल, इंसान मुशर्ती जो है वो हैवान है। ही कैन नॉट लीव अलोन, वो तनहा नहीं रहता। ही नीड, उसे ज़रूरत होती है किसी न किसी की लिए। ही नीड, से ज़रूरत होती है समवन, किसी न किसी की बांटने के लिए अपने राज, खुशियाँ और दुखों को। फ्रांसिस बैकन सेज कहा है दैट नो वन कैन लीव, कोई भी जो नहीं रह सकता दोस्त के बगैर। अ बीस्ट और अ गुड, एक जो है वो दरिंदा और अ गॉड, देवता के बगैर। आई हैव मैनी फ्रेंड, मेरे बहुत से जो है वो दोस्त है या बहुत से दोस्त रखता हूँ, बट शायद इज माई बेस्ट फ्रेंड, शायद मेरा बेहतरीन दोस्त है। आई हैव मेड फ्रेंड विद हिम आफ्टर आ, हम जो है वो दोस्त बने आफ्टर आ डीप ऑब्जर्वेशन, मुशाहदे के बाद ऑफ बिहेवियर, अखलाक के एंड अदर एक्टिविटी, और दूसरी जो सरगर्मी ऑफ लाइफ ज़िंदगी की। आई हैव फाउंड हिम बेटर देन, मैंने इसके अंदर जो है वो अच्छा पाया। देन आई हैव फॉलो द एडवाइस ऑफ कन्फ्यूशियस इन दिस रिस्पेक्ट। शाह इज़ द सन बेटा ऑफ ए वेल रिप्यूटेड डॉक्टर, एक जो है वो मशहूर डॉक्टर का। ही इज़ माई नेक्स्ट डोर नेबर, वो मेरे जो है वो नेक्स्ट डोर, यानी कि डोर का मतलब दरवाज़ा, हमसाया है, यानी अगले घर के साथ जो है मेरा हमसाया है। ही इज़ माई क्लास फेलो, मेरा जो है वो क्लास का हम साथी है एज वेल। वही यूजली आमतौर पर स्टडी मुताला करते हैं और खेलते हैं इकट्ठे। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बोला जहीन जो है तालब इलम है, वो सख्त मेहनत करता है इन ऑर्डर टू अचीव, हासिल करने के लिए अपना जो है वो मकसद। ही आल्सो वांट, वो चाहता है कि वो भी जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है अपने बाप की तरह। ही सिंसर, वो मुखलिस है, ईमानदार है। ही डज नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करता धोखा देना किसी को भी। ही हेल्प, मदद करता है मेरी मेरी पढ़ाई के दौरान। ही इज़ नॉट सेल्फिश, वो खुदगर्ज नहीं है कहीं भी। वी बोथ लिव, हम दोनों इकट्ठे रहते हैं इन द वर्ड्स अल्फाज में ऑफ जेम्स। शाहद इज़ नॉट अ बुक वॉम, किताबी कीड़ा नहीं है। ही कीप्स हिमसेल्फ, अपने आप को रखता है जिस्मानी तौर पर फिर तवाना और एक्सरसाइज करता है। ही लाइक्स टू हैव अ लॉन्ग स्ट्रोल, वो जो लंबे लंबे चहलकदमी करता है घास के मैदान में। ही इज़ फाउंड ऑफ प्लेइंग, वो जो हॉकी का बहुत जो है वो शौकीन है। ही इज़ एक्टिव, वो चुस्त है एंड इनर्जेटिक तवाना है। ही इज़ अ गुड डिबेटर, वो अच्छा जो है वो मुकर्रर भी है। इसने हिस्सा लिया वो सर्कुलर एक्टिविटीज में और एंड स्पीच तकरीर की कंटेस्ट मुकाबले में एंड ओपन विन प्राइज, और अक्सर जो है वो ये इनाम जो है वो जीत जाता है। शाह इज़ नॉट अरोगेंट, यानी कि मगरूर लड़का नहीं है। इज़ मीक एंड हम्बल, यानी कि मुकम्मल तौर पर जो है वो आजिज़ है। इस हैबिट, इसकी आदत जो है वो वेरी जो है वो सोबर संजीदा है। वो मजहबी माइंडेड जहन वाला शख्स, इज़ आ रिलीजियस माइंडेड बॉय, वो मजहबी जहन वाला लड़का है। इसे प्रेयर व नमाज अदा करता है बाकायदगी के साथ एंड एडवाइस ही फैलो, अपने दोस्तों को भी नसीहत करता है कि वो भी नमाज पढ़ें। वो कुरान मजीद की जो है वो तलावत करता है रोज़ाना। वो मदद करता है ज़रूरतमंद तालब इल्मों की विद मनी रुपये के साथ। ही रिस्पेक्ट, को इज्जत करता है अपने दोस्तों की एंड ट्रीट्स डैम एज हीज़ ब्रदर, उनके साथ ऐसा बर्ताव करता है जैसा कि उसका या वो भाई होता है। ही बिलीव और की रखता है इन शेक्सपियर वर्ड्स, इन द मोन ऑफ आई एम वेल्थी इन माई फ्रेंड, यानी कि मैं दौलतमंद हूँ अपने दोस्तों के साथ। माई फ्रेंड इज़ वेरी ओबिडेंट, मेरा फ्रेंड बड़ा फरमाबरदार है अपने जो वालदैन का, सौजा का, बड़ों का। ही होल्ड हिज टीचर इन हाई इस्टीम, ऑल द टीचर, तमाम जो है टीचर इससे मोहब्बत करते हैं और इसकी जो है रहनुमाई करते हैं विलिंगली, जोश खरोश के साथ और खुशी के साथ। दे आर प्राउड ऑफ हिम, उनको इसके ऊपर जो है वो फ़ख्र है। किनको? उस्तादा को। माई फ्रेंड, मेरा दोस्त दस नॉट लाइक, पसंद नहीं करता अपना जो है वक्त ज़ाया करना जो है वो बेकार मशागल में। हिज फेवरेट हॉबीज़ का जो पसंदीदा जो है वो मुश्किल किताबें पढ़ना है। ही सेट्स, वो बैठता है कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर और जो पढ़ता है अखबार, टू कीप हिज नॉलेज, अपने जो है वो नॉलेज के रखने के लिए दुनिया के
मामलात के मुताबिक, यानी ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक। वो मुकम्मल तौर पर बाखबर है ऑफ द कंटेम्प्रेरी दौर हाजिर के नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू मिसाइल के बारे में। ही नॉट एन एक्स्ट्रा वेगेंट पर्सन, वो फजूल खर्च जो है वो इंसान नहीं है। ही नॉट एन ऑस्टेंटिशियस, दिखावे का शौकीन नहीं है फैलो इंसान। ही वेयर, वो पहनता है साफ़ सुथरे जो है कपड़े। ही इज़ अ ट्रू, वो सच्चा और स्टोनिश सच्चा पक्का मुसलमान है। ही बिलीव की रखता है सादगी में। ही इज़ ट्रू पेट्रियॉट, वो सच्चा मुहब्बे वतन है। ही प्रीफर्स, वो तरजीह देता है द इंटरेस्ट मफादात को ऑफ हिज कंट्री, अपने मुल्क की, टू हिज ओन खुद इंटरेस्ट दिलचस्पी के लिहाज से। ही इज़ ऑलवेज, हमेशा तैयार रहता है कुर्बानी देने के लिए अपनी ज़िंदगी को, अपने मुल्क की जो है वो शान शौकत के लिए। शाहद हैज़ अ लिटरेरी टेस्ट, अदबी ज़ौक रखता है। ही इज़ अ गुड स्पीकर, मुकर्रर है। ही इज़ अ पोएट, वो शायर है। ही पोजेस गुड सेंस, वो अच्छे जो है वो शऊर का, उम्र यानी कि मिजाज का मालिक है। ही टेम्पोर, इसका जो टेम्पर है। एंड फनी फनी रिमार्क्स आर रियली इंजॉयबल होते हैं, डिलाइटफुल दिल को बात देने वाले। ही हेट्स, वो नफरत करता है मुनाफ़िक़त से। ही डज नॉट बिलीव, यकीन रखता है जो है वो ज़ात पात के निज़ाम पर। ही होल्ड द ओपिनियन, वो राय को पकड़ रखता है। एट ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल, के तमाम लोग जो है वो बराबर हैं। एंड दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड, उन सब की जो है वो इज्जत करनी चाहिए और मदद करनी चाहिए। ही बिलीव की रखता है इन मोडरेशन, मियाना रवि में। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ही इज़ ब्यूटीफुल, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो फर्शनास, पंचुअल है, फोनेस ईमानदार, बर्दाश्त करने वाला, कोऑपरेटिव, बाहमी तावन करने वाला, हमदर्द है, मेहनती है, एंड वेल मैनर, अच्छा उसका अंदाज है। ही इज़ एन असेस, वो असासा है फॉर मेरे लिए। ही इज़ रियली प्राइज वर्थी, वो वाकई जो है वो तारीफ़ के लायक है। ही इज़ रियली वाकई प्राइज वर्थी, वो वाकई जो है वो तारीफ के जो है वो लायक है। आई एम प्राउड ऑफ हिम, मुझे जो है वो उसके ऊपर फ़ख्र है। ये तो था बेटा जो है वो आज का ऐसे माई बेस्ट फ्रेंड, ईजी सा जो है ये ऐसे है तो इम्पोर्टेंट भी है। आपने इसको अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्ला, अस्सलामु अलैकुम।